आज हम पुनर्नवा औषधि का परिचय एवं गुण पहचान आपको कराएंगे। तो पुनर्नवा हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में है, जिनको जरूरत है तो हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ऐसे तो हमारे बाबा भक्तुदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका नाम पुनर्नवा है। शरीर को पुनः नया करने की अद्भुत शक्ति है। इसमें देखिए अभी बीज, फूल और पत्ते तीनों मौजूद हैं, तो आप इसको पहचाने। देखिए ये बीज लगा हुआ है, ये खसखस से थोड़ा से बड़ा है इसकी बीज को, और फूल देखिए बैंगनी कलर में लिए हुए, बहुत अच्छा सुनहरा एकदम छत्ता लिए है। और इसकी पत्ता जो है नीचे वाला भाग सफेद होते हैं और ऊपर वाला भाग हरे लिए होते हैं। तो इसके पत्ता, फूल, फल से आपको परिचय कराए। अब इसके जड़ से परिचय कराते हैं और इनके गुण से परिचय कराते हैं। तो जड़ आपको देखे मोटी मोटी होती है, लंबी लंबी होती है, तो ये एक दिन में नहीं बनता है, 4 साल 5 साल पुरानी जड़ उपयोग में ली जाती है और यही जड़ विशेष लाभकारी होता है। इनके देखिए हमारे यहाँ ये थोड़ा सा एक दिन का कलेक्शन है, एक दिन संग्रह करवाए, तो ऐसे हमारे यहाँ बराबर होते रहता है, इसका उपयोग लाया जाता है। तो इसका उपयोग हम अपने औषधालय में जिनको खून की कमी होता है, खून की सूजन होता है, यानी सूजन मतलब खून में जमा होने के कारण नस जाम हो जाती है, तो उस नस में सूजन आ जाती है, तो इस सूजन को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है, खून की कमी को दूर करता है। जब खून की कमी दूर होगा तो ये हार्ट, हृदय को दिल की ताकत देता है, दिल की ताकत के साथ साथ स्प्लीन, फिलिहा इसको भी, और मुख्य रूप से इसको अतड़ियों को ठीक करने के इसमें महारत हासिल है। यानी लीवर में जितनी खराबी हो उसको ही ठीक करने में अद्भुत गुण इसमें है। तो जैसे लीवर में खराबी क्या होगा, जॉन्डिस, पीलिया जिसको कहेंगे, इन्फेक्शन, संक्रमण कहेंगे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। जॉन्डिस में इसकी जड़ जो है 2 इंची ले लें, उम्र के अनुसार भी इस पर अनुभव करता है कि किसको कितना लेनी है। तो बड़े आदमी के लिए मोटी जड़ जो है 1.5 से 2 इंची लेंगे, 5 से 7 दाना गोल की लेंगे, सिलबट्टा पर पीस देंगे और सुबह शाम मात्र 7 दिन खिलाए तो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। जॉन्डिस में पीलिया में इसकी माला बनाया जाता है, इसलिए इसको इटसीट कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में इटसीट भी नाम है इसको, तो इसलिए माला फिरोने का भी काम होता है। तो उनके पीलिया वाले रोगियों के लिए माला फिरो देते हैं और पहनाने से पीलिया रोग में भी लाभ देता है, तो यतड़ियों को ठीक करता है। यहाँ की जितने नर्वस सिस्टम है इसके द्वारा खून की कमी को ठीक करता है, खून में जो इन्फेक्शन है, संक्रमण, उसको ठीक करता है। तो दिल की ताकत को देगा, स्वतः जब नर्वस सिस्टम ठीक होगा तो दिल अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये दिल को भी ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। इसमें जिस व्यक्ति को कान बहना वगैरह है उसमें भी उपयोग लिया जाता है, बहरापन है उसमें भी लिया जाता है, आंख में जो खराबी हो, आंख में खराबी क्या होता है, जाला हो जाता है, कोना फटना है, तो उसमें कैसे लाभ लेते हैं, उसमें इसको थोड़ा सा सिलबट्टा पर पीस देते हैं और फ्रेश धोकर और उसके बाद कपड़ छन करके उसको आंख में पानी डालते हैं, तो उसके लिए ये जो है ये उपयोग में लाता है, आंख का जाला कोना वगैरह इसके फटते हैं, तो इसके लिए आंख में काम करता है। आपको इतना ही नहीं, इसमें जो है किडनी को भी ठीक करता है, किडनी यानी किडनी की सूजन हो, पथरी हो और इन्फेक्शन, संक्रमण जो भी हो, किडनी की खराबी, यानी बार बार पेशाब होना, पेशाब में कि रास्ते में नली में कुछ जम जाना, तो उसको भी खोलता है, तो किडनी को भी बहुत अच्छा से ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है। इसके साथ साथ जो है जिन व्यक्ति को वायु बढ़ गया है, यानी इसके कारण धात गिरता हो, धातु वाला पतला वाला समस्या हो, शीघ्र पतन हो, स्वप्न दोष हो, तो इसमें भी ठीक होते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी काम करता है। इसके साथ कैसे लेना है, इसमें लेना जो है मिश्री के साथ पीस कर लेंगे और सिलबट्टा पर पीस के थोड़ा से मिश्री भी, 5 दाना गोलकी भी, तो इसके लिए धातु रोग में उपयोग में लाए जाते हैं। गाय का
मट्ठा होनी चाहिए, बेहतर रहता है। इसके लिए जिन व्यक्ति को मासिक की समस्या हो, महिलाओं को अक्सर मासिक की समस्या होती है, तो उनमें जो है खुल कर नहीं आती है मासिक, तो उसमें क्या करेंगे, पतली जड़, ये तो मोटी है और जो पतली जड़ है तो इस तरह से इसको तराश कर आगे भाग चिकना करके पीछे जितना गर्भाशय में जा सकता हो इजी वे डाल दें, तो ये गर्भाशय में जो है जाएंगे तो वहां का संक्रमण को ठीक करता है और मासिक जो रुका हुआ है खुलकर मासिक आती है, तो इसलिए मासिक को भी ये बहुत अच्छा साता है। और इसके साथ अगर बच्चा होने में समस्या है तो बच्चा होने में इसकी जड़ को पूरा पीस लेंगे और पीसने के बाद नाभि के नीचे लेप लगा देंगे तो इजी वे आसानी से प्रसव भी हो जाते हैं, तो इसलिए प्रसव में भी सूजन में भी ये बहुत काम करता है। और इसके साथ साथ इसकी बूटी का नाम विष खपरा भी है, इस बूटी का नाम विष खपरा है, तो ये विष को भी दूर करता है, ये विष को इस प्रकार से दूर करता है, इसको पीस के गाय का मट्ठा के साथ पिला दें तो विष को भी उतारता है, सांप काटे बिच्छू काटे जो भी काटे उसके साथ इस विषु में काम करता है। इतना नहीं, इस विषु को जो है कैंसर में भी काम देता है, कैंसर के रोगियों को भी इसके साथ साथ ये पुनर्नवा और हल्दी और गौमूत्र में देते हैं तो कैंसर को भी ठीक होते देरी नहीं लगता है, कैंसर भी ठीक होता है। तो इसके साथ साथ ये बूटी बाबा सिर में भी उपयोग में लिया जाता है, इसके चूर्ण काले मिर्च के साथ साथ देते हैं तो बाबा सिर में भी उपयोगी है, बाबा सिर को भी ठीक करता है, तो इसलिए इस बूटी का अनंत है, जितना कहेंगे उतना कम होगा। तो इस बूटी का आपको नाम परिचय कराए पुनर्नवा से, सोधग्नि से, विष खपरा से, तो इनके गुण के अनुसार नामांकन हमारे पूर्वजों ने रखे हैं, ऋषियों ने रखे हैं, ऋषि ने रिसर्च कर करके इसका नाम करे हैं, तो इसलिए हम लोग इसका थोड़ा सा लाभ ले रहे हैं, मानव कल्याण के लिए लाभ ले रहे हैं। हे मानव, आप लोग भी इसका लाभ लें, परिचय कराए और हमारा आयुर्वेद सेवा संस्थान से, बाबा भक्तु सेवा संस्थान के माध्यम से आप लोग भी लाभ लें। तो आज बूटी हित में इतना ही, फिर अगले कड़ी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए पुनर्नवा का कटिंग है।